गाइस फाइनली जो है हम रुद्रप्रयाग के अभी यहाँ पे बस अड्डा है, यहीं पे जो है मेन मार्केट है का नज़ारा है। ये है रुद्रप्रयाग का मार्केट, ये बस अड्डा है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग का मेन बस अड्डा है। ये देखिए सामने जो है पीपल का पेड़ है। वेलकम बैक चैनल। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और इस समय टाइम हो रहा है 9 बज रही है मॉर्निंग की। और मैं ये देखिए पूरा सामान जो है मैंने फिर एक हे गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप? तो गाइस पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम रुद्रप्रयाग पहुंच चुके थे और अब रुद्रप्रयाग का ये पुल है सामने, इसके बाद जो है बस अड्डा आएगा आगे। तो हमारा कुछ ऐसा प्लान बना है कि आज हम जो है यहीं पे स्टे करेंगे। बस अड्डे में काफ़ी होटल्स हैं, तो पता करते हैं कि रूम कितने का मिलता है, कैसा मिलता है। तो आज यहीं पे जो स्टे करने का प्लान है, क्योंकि जो है आज कैंपिंग करने का जो है प्लान नहीं बना, वो हमने कल कर दी थी। तो देखते हैं अब कहाँ पे रूम मिलता है हमको। ठीक है गाइस, तो अब जो है हम यहाँ पे रूम देखते हैं, और आज जो है टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए जो है हमने प्लान ये बनाया कि हम जो है होटल में स्टे करेंगे, क्योंकि 8 बज चुकी हैं। तो कैंपिंग में सेटअप करते करते जो है हमको काफ़ी लेट हो जानी थी, और बारिश भी आ रही हल्की हल्की, तो इसलिए जो है हम गाइस कहीं यहीं पर जो है होटल देखते हैं, उसके बाद जो है यहीं पर रहेंगे और मॉर्निंग में यहाँ से निकल लेंगे। तो गाइस फाइनली जो है हम रुद्रप्रयाग के अभी यहाँ पे बस अड्डा है, यहीं पे जो है मेन मार्केट है, और यहाँ पे जो है हमने एक रूम ले लिया है, बहुत ही सस्ता पड़ा हमको गाइस। अब प्राइस जो है बस ये बिस्तर है और बोली खाया है, ज़्यादा हमको जरूरत तो है नहीं। और मॉर्निंग में जो है हम निकल जाएंगे, अभी जो है 8 बज चुकी है, और मैंने जो है ये पूरा अपने गाइस ये देखिए मैंने अपने ही कम्बल यहाँ पर लाया हूँ, मेरे कम्बल हैं, और जो होटल वाले टाइप वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। हमारे पास सारी व्यवस्था है, अगर नहीं मिलता तो हम तो अपनी गाड़ी में भी सो जाते, क्योंकि मेरे पास कैंपिंग का पूरा सामान था। तो मिल गया, थोड़ा सा मैं आराम कर लेगा, और नहाने धोने के लिए वॉशरूम है, कुछ इस तरीके का ये वॉशरूम है, ये देखिए। और सामने गीजर लगा हुआ है, जिसका जो है स्विच खोल देते हैं ताकि जो है पानी गर्म हो जाए, फिर हम इसको यूज करेंगे, और उसके बाद मॉर्निंग में जो है फिर यहाँ से भाग लेंगे। ये देखिए ये जो है इस तरीके का रूम है, और अब खाना हमने जो है वहाँ पे खा लिया था, जहाँ पे हम रुके हुए थे, आपको दिखाया था मैंने। और बस बिस्तर लगा है, लेटते हैं और फिर मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। तो गाइस ठीक है, फिर मॉर्निंग में मिलते हैं आप। तब तक आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आज जो है हमने काफ़ी मेहनत की और बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि हमने जो है 2.5-3 किलोमीटर देवरताल की चढ़ाई भी चढ़ी है। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है, ये है रुद्रप्रयाग का मार्केट, ये बस अड्डा है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग का मेन बस अड्डा है। ये देखिए सामने जो है पीपल का पेड़ है, और ये बस खड़ी है, रात का टाइम है, गाड़ी मैंने वहाँ पे पार्क कर रखी है, तो सामने ही है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसमें देखने में, बाकी आपको मॉर्निंग में दिखाते हैं फिर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक चैनल। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और इस समय टाइम हो रहा है 9 बज रही है मॉर्निंग की, और मैं जो है रेडी हो चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ निकलने के लिए। तो आज हम निकलेंगे श्रीनगर घर। तो मैंने आपको पर रूम दिखाया था, कुछ इस तरीके का रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है, और आप जो है रेडी हो चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं फिर आपको आगे चलते हैं। बस ये सामान थोड़ा सा समेटना है। तो गाइज अभी जो है टाइम हो रहा है 9:36, और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं रुद्रप्रयाग मार्केट से, और यहाँ से जो है हमको लगभग आधा या पौन घंटा लगने वाला है श्रीनगर पहुंचने में। तो यहाँ से जल्दी से भाग लेते हैं गाइस, और यहाँ पे जो है अच्छी खासी धूप आ रखी है, काफ़ी मस्त धूप आ रखी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है कोहरा नहीं लगता जैसे श्रीनगर में कोहरा लगता है कोहरा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है। तो
तो गाइस ये है ढाबा श्री हर्षी होटल और यहाँ पे हमने जो है अभी जो है ब्रेकफास्ट किया है, पराठे खाए हैं और गाड़ी मैंने जो है पूरी पैक कर दी है। ये देखिए पूरा सामान जो है मैंने फिर एकदम से लगा दिया। अब जो है इसको सामान को जो है हम घर में रख देंगे। गाड़ी जो है गंदी हो रखी है थोड़ा सा, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो नाश्ता करने के बाद जो है अब हम आगे बढ़ चुके हैं और गाइस अब आएगा जो है धारी देवी और उसके बाद आएगा जो है श्रीकोट और फिर श्रीनगर। तो फिर निकल लेते हैं यहाँ से जल्दी से। तो गाइस हम जो है फाइनली घर पहुँच चुके हैं और मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ गाइस। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।